सभी सम्मानित क्रांतिकारी साथियों को नवाब सतपाल तंवर की तरफ से, अखिल भारतीय भीमसेना की तरफ से क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, बड़े दुख के साथ मैं आपको सूचित करना पड़ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की युवा महिला नेता और जोनल कोऑर्डिनेटर पश्चिमी दिल्ली प्रदेश बहुजन समाज पार्टी, उनकी भतीजी है संजलि, जो कि आगरा की निवासी हैं और जिनकी 15-16 साल के आसपास एज थी, 10वीं क्लास की छात्रा थी। स्कूल की छुट्टी होने के बाद में अपने घर को जा रही थी, तब अज्ञात लोगों ने, जो कि बाइक सवार थे और हेलमेट उन्होंने लगाया हुआ था, जिनको पहचाना नहीं जा सका था, पेट्रोल डाल करके, उस मासूम गुड़िया के ऊपर पेट्रोल डाल करके, आगरा की घटना है, उत्तर प्रदेश के आगरा की घटना है, योगी राज की घटना है, पेट्रोल डाल करके आग लगा दी, जिससे लड़की 75-80% तक जल गई थी। और बड़े दुख के साथ में आपको सूचित करना पड़ रहा है कि रात को वो हमारे बीच में नहीं रही। दिल्ली सफदरजंग उसको रेफर किया गया था, सफदरजंग में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन जिंदगी और मौत से लड़ते हुए बच्ची ने, हमारी गुड़िया ने हार मान ली और आज हमारे बीच में, हम इस दुनिया में नहीं है। लेकिन बड़ी ये शर्मनाक घटना, एक दर्दनाक घटना, जो कि योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि बहन बेटियां सुरक्षित हैं, योगी आदित्यनाथ को शर्म आनी चाहिए कि उसके राज्य में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। आज एक बच्ची हमारे बीच नहीं है। कुछ दिन पहले मेरठ में एक घटना हुई थी, एक दलित महिला को पीट पीट पर कर मार दिया गया था और उसके साथ में गैंगरेप जैसी एक भयावह घटना की गई थी। अब आगरा में 15-16 साल की एक हमारी बहन, हमारी बेटी के ऊपर पेट्रोल डाल करके उसे जिंदा जला दिया जाता है और योगी आदित्यनाथ खामोश है, इस देश की जनता खामोश है। यू बर्दाश्त हम नहीं कर सकते। वो मासूम बच्ची जिन्होंने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया है, आज उसकी जो हत्या हुई है, ये निर्मम हत्या हुई है, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। सफदरजंग अस्पताल के लिए हम लोग निकल रहे हैं और सबसे बड़े शर्म की बात है कि योगी आदित्यनाथ की ढोंगी पुलिस ने अब तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। 48 आवर्स हो चुके हैं, 48 घंटे हो चुके हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की पुलिस के हाथ खाली है। सरेआम गुंडा राज है, हमारी बहन बेटियों को जलाकर मारा जा रहा है। साथियों, एकजुट हो जाइए। जो आगरा और आगरा के आसपास के साथी हैं, वे आगरा पहुंचिए कलेक्ट्रेट, बहुजन समाज के सभी लोग और तमाम, वो महिला जिसके साथ में यह अत्याचार हुआ है, जो वास्तव में महिलाओं के साथ जो अत्याचार उत्तर प्रदेश के अंदर किए जा रहे हैं, अगर उसकी आवाज उठाना चाहते हैं तो आप लोग पहुंचिए। हम लोग सफदरजंग अस्पताल पहुंच रहे हैं, जो दिल्ली और दिल्ली के आसपास के साथी हैं, वे सफदरजंग अस्पताल पहुंच जाए। योगी आदित्यनाथ का ढोंग बहुत हो चुका है। आज हमारी बहन बेटियों के साथ में किस तरह की दरिंदगी, निर्ममता की जा रही है। सरेआम दिन दहाड़े पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया जाता है और भीमसेना खामोश रहे। नहीं साथियों, निकलो बाहर मकानों से और जंग लड़ो इन मनुवादियों से, इन हत्यारों से, इन महिला विरोधियों से जंग लड़िए, मकानों से बाहर निकलिए। मैं सभी साथियों से अपील करता हूं और उस बहन को, उस बेटी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन सिर्फ श्रद्धांजलि देने भर से बात नहीं बनेगी, हमें न्याय चाहिए, हम न्याय मांगते हैं। साथियों, शेयर करके देश के कोने कोने में पहुंचा दीजिए और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लोगों को इकट्ठा कीजिए और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कीजिए, वहां के जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कीजिए। हम लोग सफदरजंग अस्पताल पहुंच रहे हैं, जितना जल्दी ज्यादा हो सके साथियों एकजुट हो जाइए और योगी आदित्यनाथ और कान खोल करके सुन ले, उत्तर प्रदेश की आगरा की पुलिस, आगरा के एसएसपी और सीएम योगी आदित्यनाथ, अगर गिरफ्तार नहीं किया गया उन आरोपियों को जल्दी से जल्दी, तो अंजाम बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। क्रांतिकारी जय भीम।